हेलो दोस्तों, मैं थेरेपिस्ट सर्वनाम ओगिनिया आज साइटिका पेन में हिजामा थेरेपी के बारे में बताएंगे। किस तरीके से हिजामा होती है, कैसे होती है, कहां कहां पे करनी चाहिए, कहां कहां पे नहीं करनी चाहिए, पूरे वीडियो में बने रहिए और देखिए हिजामा किस तरीके से होती है, कैसे नहीं होती है, अभी हम आपको बताएंगे। ये ट्रीटमेंट का वीडियो स्टार्ट हो गया है, अभी देखिए। पहले चमड़े पे ऑयल लगा लेने का, मेडिकल ऑयल कोई भी हो लगा सकते हो आप। और हिजामा उसी से करवानी चाहिए जो हिजामा के अच्छे प्रैक्टिशनर हो। अभी तो हिजामा के बहुत अच्छे अच्छे सेंटर खुल चुके हैं, हर जगह पे एक दो सेंटर मिल जाते हैं। अभी हिजामा पद्धति बहुत आगे बढ़ चुकी है और अच्छे से चल रही है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हिजामा कम से कम 15 वर्ष के ऊपर के बच्चों को करवानी चाहिए, 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को नहीं करवानी चाहिए। ये एक से डेढ़ मिनट तक इस कप को चमड़ी पे रहने देने का, ताकि अच्छे से वैक्यूम बन जाए। ये 11 नंबर ब्लेड से हल्के हल्के टच करने का, ज़्यादा नहीं, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो और आराम से कर पाऊँ। 11 नंबर ब्लेड और शुगर निडल, ये हम क्या आगे वीडियो बनाए नहीं है, स्टार्टिंग से वीडियो बना रहे हैं, तो अगर कोई गलती या कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें भाई और बहनों माफ़ करना है। इस तरीके से होती है, बाकी हिजामा के हम बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, 4-5 साल का अनुभव है हमें हिजामा करने का। ये पेशेंट साइटिका पेन के हैं और इनका अभी लास्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। ये 16 सेटिंग हम दे चुके हैं उसको, कट्टी वस्ती वगैरह, कायरो वगैरह, अभी इसका लास्ट ट्रीटमेंट है। अभी लास्ट ट्रीटमेंट हम हिजामा करते हैं, ये इस तरीके से हिजामा करते हैं। ये इस तरीके से हिजामा होती है, ये देखिए, और पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को अधूरा मत छोड़िए ताकि कुछ मिस हो जाए। साइटिका पेन वाले कोई भी हिजामा करवा सकते हैं, तो उसके बिना हिजामा नहीं करवा सकते हैं। ये हिजामा देखिए किस तरीके से होती है, ये देखिए। अभी हम कप को निकाल रहे हैं, अभी देखिए इम्प्योर ब्लेड कैसे निकल रहा है। ये इतना गंदा खून निकला है, ये इस तरीके से होती है। वीडियो को पूरा देखें, ये इस तरीके से होती, ये देखिए। हम वीडियो में पूरा बारीकी से बताते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से नहीं होता है। ये साइटिका पेन के है, बहुत अच्छे से इनको आराम मिला है, अभी इनका लास्ट ट्रीटमेंट है, ये देखिए।